आ जाए। तो ये मैं आपको सुबह सवेरे स्कूल का विजिट करवाने लेके जा रहा हूँ, सही है? तो अभी हम यहाँ से स्टाफ रूम जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्लास रूम्स का विजिट करते हैं। सही है, ठीक। What's your name? My name is Salwa. Your name is Salwa, right? And what's yours? My name is Shanza. Your name is Shanza, okay. And what's your age? Eight. You're 8 years old. Eight. You're 8 years old. Yes. Right. And Salwa, what is your age? Five. And which class do you study? Class first. And what do you study? What do you study in class first? Do you study drawing or writing? We study writing. You study writing? Right. And do you like studying? You like studying or not? Do you like it? Yes. Why are you so cute? Just tell me this. Why are you so cute? Are you shy? You're shy. See, your class is laughing. Cute. अच्छा, इतने क्यूट बच्चे हैं ना यहाँ पे सब के सब, माशाल्लाह। और अच्छी बात देखें आप कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, लेकिन अंग्रेजी इनकी कितनी अच्छी है। ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, आगे चलते हैं किसी और क्लास में, बड़ी क्लास में एक्चुअली, और उनसे चल के बात करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, आई एम गुड। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड एज़ वेल, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ नाज़िश मुर्तज़ा। योर नेम इज़ नाज़िश मुर्तज़ा, राइट? यू हैव अ प्रिटी नेम। अच्छा, एंड यू स्टडीइंग क्लास 9th, राइट? या, आई एम स्टडीइंग क्लास 9th। दैट्स रियली नाइस। सो व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? देयर आर 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट्स, ओके। One of my favorite subject is English. Oh, really nice. So what do you want to do in future? You want to teach students English or do you want to do something else? No, basically I want to be a doctor. Oh. And I want to do many things for my society. Really nice, really nice. So you're going to choose FSC after that, right? Or any other? FSC. Yeah, so basic is going to be biology. Yeah, biology. Really nice. And what do you like about, what do you want to... continue studying here? You want to move to any other place or what? No, basically I want to move to some other place because basically I want to interact with others. Yeah. I really love to know about different culture, traditions and so on. Really nice. You want to explore and experience this stuff. Yeah, explore. So have you ever visited any other place other than Hunza? Yes, yes. Where have you been so far? Gilgit. Gilgit? Yeah. Other than Gilgit? No. Have you ever been to Punjab side? No, no. Okay, and Balochistan, and you've never... No. And you want to go to those places and experience yes. that. That is explore. That's really nice. I'm a nature nice. Lover, that's why. That is really nice, really nice. So it's really nice talking to you. Good luck for your future. You're going to be Thank doctor, so inshallah. Much. Thank you, really nice Thank talking you so to much. You. Here, the principal is also present.
उनसे चल के बात करते हैं और स्कूल के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं तो माशाल्लाह बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपके जो बच्चे हैं, देर रियली कॉन्फिडेंट। मैं छोटे से बच्चे से बात करती थी फर्स्ट क्लास की, शी वॉज नॉट शाय, इनफैक्ट शी वॉज कॉन्फिडेंट एज वेल, और इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कंपलसरी इंग्लिश सिखाना, किस तरह से, क्योंकि मैंने सबको देखा है सब इंग्लिश बोल रहे हैं। मैम ये है कि ये जो स्कूल है खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान का एक यूनिट है, डीजे हाई स्कूल शिमशा। सो नॉर्मली हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है स्कूल के अंदर वो इंग्लिश होता है। तो इसलिए मतलब ये कि ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इस्लामियात एंड उर्दू के इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये है कि इंग्लिश हमारे लिए मैंडेटरी है स्कूल के अंदर। सो दैट्स व्हाई अल्हम्दुलिल्लाह आवर स्टूडेंट्स आर वेरी मच इनफ फ्लुएंट इन इंग्लिश। रियली नाइस, आई एम रियली इंप्रेस्ड एक्चुअली ऑन दिस। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके अलावा जो है एजुकेशन के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पे बच्चों को कराई जाती है? हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी स्कूल का एक बेहतरीन पार्ट है। एक वन वीक अगो मतलब ये कि हमारे स्पोर्ट्स वीक हमने कंडक्ट किया था। सो वहाँ पे हमारे मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट टेबल टेनिस एंड एवरीथिंग सारे एक हफ्ता हमारे बच्चों ने फुली इंजॉय किया। उसके बाद मतलब ये कि वन वीक के बाद हमारी मतलब ये कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक और पार्ट हमारी मतलब ये कि डिबेट कम्पटिशन है, स्पीच कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं मतलब ये कि हम नेक्स्ट वीक में करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये कि मतलब हम अपने बच्चों को डिफरेंट प्राइजेस और एक ग्रैंड पेरेंट डे डे हम कंडक्ट करते हैं। उस पेरेंट्स डे के मौके पर हम अपने बच्चों को डिफरेंट प्राइजेस देते हैं और इस तरीके से ये जो मतलब हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी एक बहुत बड़ा वेटेज है जो कि हम करते रहते हैं। अच्छा 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 सर, आई हैव कम टू नो के जो शिमशाल वैली है ना वो ट्रैकर्स की वैली है, तो यहाँ पे बच्चों को माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग की भी इस तरह से ट्रेनिंग साथ में दी जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं? क्योंकि यहाँ से वी केम टू नो के बहुत सारे लोगों ने K2 सर किया, बहुत सारे यहाँ पे वोटर्स भी मौजूद हैं। येस ऑफ कोर्स, मतलब है कि आई माई सेल्फ सो आई थिंक कि मतलब है कि आई एम वन ऑफ द लकी मैन, सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर इन द शिमशाल, राइट? सो आई लव टू द पीपल ऑफ द शिमशाल, द पीपल आर वेरी एडवेंचरस द पीपल पीपल। सो ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने बड़ों से सीखते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे माउंटेनियरिंग स्कूल है। उस स्कूल के अंदर मतलब ये कि बाज़ अवकात मतलब ये कि हमारे बच्चे भी जाते हैं, कम्युनिटी के और लोग भी जाते हैं और उनको इनिशियली वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके अंदर अपने बड़ों को देखते हुए स्पेशली मतलब बड़ों को फॉलो करते हुए इनके अंदर एक इंथुसियाज्म मौजूद है, मतलब ये कि ये लोग हमारे बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन फ्यूचर जाते हुए मतलब ये कि ट्रैकिंग और इस तरह माउंटेनियरिंग के जो फील्ड है इसको अडॉप्ट करते हैं, उस तरफ जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे चूंकि थ्रू आउट जब से हम उनसे हैं देखा गया है कि यहाँ पे लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कितने परसेंट यहाँ पे लिटरेसी रेट है? 99% लिटरेसी रेट है। क्या खास वजह है कि यहाँ पे इतना बेहतरीन लिटरेसी रेट है? It's especially due to the Khan Education Service Pakistan, right? जो कि हमारे पाकिस्तान बनने से पहले ये जो डी जे स्कूल के नाम से यहाँ पर जो स्कूल अब आए हैं डायमंड जुबली स्कूल्स, ये हमारी मतलब एक पाकिस्तान का जो फाउंडिंग मेम्बर है सर आगा खान सुल्तान इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सर आगा खान, राइट? उसने मतलब ये कि अपने डायमंड जुबली का जो प्रोजेक्ट था उसको स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज थे शुमाली इलाकाजात कहते थे उनके एजुकेशन पे उसने साफ की और तब से यहाँ पे एक स्कूलिंग का निज़ाम स्टार्ट हो गया जो कि गवर्नमेंट उस टाइम पे मतलब ये कि शायद मतलब ये कि इस तरह के फैसिलिटेट करने में उनके लिए मुश्किल होंगे, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू 1945 से यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ है और ये जो सिस्टम है ये हमारी हेल्प की और इसकी वजह से आज मतलब ये कि स्पेशली हुंजा और गेज़र में मतलब ये कि जो एजुकेशन का रेशो है मतलब ये कि जो लिटरेसी रेट है ये 99% है, इसका एक क्रेडिट इस तरफ से चली जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मुझे तो महबूब भाई स्कूल विजिट करके इतना अच्छा लगा है ना कि आप ये देखें कि इनका एजुकेशन रेट और लिटरेसी रेट एक्चुअली 99% है और इनका लिटरेसी रेट जो बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले ही इनका एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से था, गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि एक अलग बिल्कुल सूबा था और एक अलग इलाका था, तो तब से इनका एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से चलता आ रहा है और मैं ख़ुद बड़ी हैरान हुई एक्चुअली। अभी जब मैं शमशान लाई ना जब, तो हमें तकरीबन आते हुए चूँकि हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे थे तो हमें आते हुए 6-7 घंटे लग गए और जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि ये जगह इतनी दूर है, कोई इतने ख़ास उस तरह से रोड्स भी नहीं बने हुए, आपने देखा भी होगा रास्ते में कि कितने ख़तरनाक रोड्स हैं। मैंने कहा यहाँ किसने आना है, जो लोग यहाँ रहते होंगे वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी बसाए होंगे और यहीं पर वो लोग अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारे होंगे, शायद वो लोग उस तरह से पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, कनेक्टेड भी नहीं होंगे बाकी दुनिया से। लेकिन जैसे ही अंदर आए ना तो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे नज़र आए, मैंने हेलो किया और उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज़ से आगे से हेलो एंड हाउ आर यू पूछा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा इस इलाके का तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, मतलब ये कि यहाँ का भी लोग पढ़े लिखे हैं। तो फिर मैं क्यूरियस हो रही थी कि नहीं, मैं डेफिनेटली इस बारे में भी जानूंगी कि वाकई यहाँ के लोग भी पढ़ते हैं। और अभी महबूब भाई ने स्कूल दिखाया और मुझे उससे यकीन हो गया कि इतनी दूर रहने के बावजूद भी इतने जो यहाँ के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। और महबूब भाई बता रहे थे कि क्या लोग, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो घर नहीं बनाते हैं यहाँ पे, हेल्थ और एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़मीन भी बेच देते हैं, इवन कि मतलब घर भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर वो पुराने घर में रह रहे हैं ना तो उसी में रहेंगे, लेकिन बच्चों का एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन और हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू गाइस कि आप देखेंगे हुंजा का वो इलाका जो कि बाकी एरिया से इतनी दूर है, इतनी दूर होने के बावजूद भी, बाकी चीज़ों से कट ऑफ होने के बावजूद भी एजुकेशन पे इनका कोई कंप्रोमाइज नहीं है। एंड आई विश कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से हो एजुकेशन सिस्टम। ऑनेस्टली मुझे हुंजा का जो है ना, आई फाउंड इट लाइक अभी तक का सो फार, क्योंकि हम लोग पंजाब जो है वहाँ पंजाब के एजुकेशन सिस्टम वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो आई कुड मेक अ कंपैरिजन। तो आई रियली वांट कि जिस तरह का यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, हमारे उन इलाकों में उसी तरह से बच्चों के एजुकेशन पे फोकस भी किया जाए।